गुजरात चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन वो भी गुजरात से दूर हैं। पिछली बार राहुल गांधी ने गुजरात के लगभग सभी मंदिरों का दौरा कर लिया था और इसके परिणाम भी ठीक आए थे। कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही, लेकिन इस बार कांग्रेस चुनाव से पहले ही बीजेपी को वॉक ओवर दे चुकी है। अभी तक के कांग्रेस को रुख को देखे तो ऐसा ही लग रहा है। पीएम मोदी अब तक कई बार गुजरात पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का एक कदम दिल्ली में और दूसरा कदम गुजरात में है, जबकि कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस के मुख्य ऑब्जर्वर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उनके विश्वास पात्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी हैं। लेकिन पार्टी 2017 के मुकाबले काफी कम सक्रिय है। उधर कांग्रेस को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैली में इसका जिक्र कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पता किया कांग्रेस क्या कर रही है, तो पता चला कि गांव में बैठ के कर रही है, बोल नहीं रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की थी, 70 के करीब सभाएं और कार्यक्रम हुए थे। नतीजा पार्टी को 77 सीटें मिली और 4 सीटें सहयोगियों को। कांग्रेस के इस प्रदर्शन की हर किसी ने तारीफ की, लेकिन ऐसे में जब 2024 का रास्ता 2022 से निकल कर जाता है तो गुजरात में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गायब है। वहीं कांग्रेस की गुजरात में जो स्थिति है उस पर चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक हलकों में एक नया टर्म चर्चा में है, स्वीट सरेंडर। कांग्रेस ने स्वीट सरेंडर कर दिया है। राज्य में पिछले 27 सालों से अगर बीजेपी सत्ता में है तो इससे लड़ रही पार्टी का नाम कांग्रेस है। पिछले 2 दशक के वोट प्रतिशत को देखें तो कांग्रेस भी 38% वोटों से नीचे नहीं गई। वहीं गुजरात में विधानसभा के कुल 182 सीटें हैं, इनमें 40 सीटें आरक्षित हैं, 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। आदिवासी सीटों पर अभी तक कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। गुजरात में बीजेपी ने अभी तक सबसे ज्यादा 127 सीटें जीती हैं। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस बार चुनाव में 145 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है, तो वहीं कांग्रेस ने 125 सीटों का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस ने 2017 में 77 सीटें जीती थी, लेकिन लगातार विधायकों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस लगभग 2012 वाली स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में अब कांग्रेस का स्वीट सरेंडर किसको फायदा पहुंचाएगा, ये तो नतीजों में साफ होगा। फिलहाल कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी भी हैरान है। भारत माता की